थोड़े से टिप्पण रह गया था चौथे श्लोक का खत्म। कहते यथा लोगे संस्कार रूपेण स्थित काम से कामनी दर्शनम उद्बोधकम। संस्कार जो है दृष्टांत दिया था ना भूसा चोरी का, समाप्त किया शास्त्र के संस्कार ने उसको बचाया। उसी पर यहाँ पर भी दृष्टांत दे रहे हैं, लोक में भी देखा गया संस्कार रूपेण स्थित कामनाएं, ये जब कामनी आदि वस्तु दिखाई देते हैं वो संस्कार जागृत हो जाता है। तथा शास्त्रम अपि, शास्त्र भी अंदर से है तो मौका मिलने पर जागृत हो जाएगा। इत्यत्र देवासुर संग्रामे देवै प्राण शरणे गते यथा रक्षिताः तथा इति ग्राह्यम्। जैसे वृत्तांत उपनिषद में आता है देवासुर संग्राम की कहानी, देवता लोग प्राण की शरण में चले गए तो प्राण ने देवताओं की रक्षा किया, असुरों से बचाया। ठीक उसी और यहाँ पर भी है, उपक्रम में भी कहा गया, उपसंहार में भी बात आएगी। वही उपक्रम में कहा था राग द्वेष उक्तेस्तु 264 में, और उत्युक्तम उपसंहारे च, उपसंहार में भी न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशले नानुसज्जते, ये 18:10 इति वक्षति, याग भी कहेंगे। इस तरह से राग द्वेष रहित होना सभी के लिए एक सामान्य नियम है, साधना का मूल जड़ यही है, राग द्वेष रहित होने की चेष्टा करो, उसके लिए शास्त्रीय विवेक उपयोगी है। तथा राग द्वेष प्रयुक्तो मन्यते शास्त्रार्थमपि अन्यथा परधर्मोपि धर्मत्वाद् अनुष्ठेव इति तदसत्। यदि कोई कहे राग द्वेष प्रयुक्तो शास्त्रार्थ भी है, शास्त्र के विषय भी राग द्वेष है, अन्यथा परधर्म से क्यों आप द्वेष कर रहे हैं, परधर्म भी तो धर्म है, परधर्म भी क्या है अनुष्ठेय है, धर्मत्वात कोई अनुमान कर सकता है स्वधर्म के समान, इति चेत तदसात, यह उसका कहना ठीक नहीं है। भाष्कर के बाद संक्रांति अपने अवतरण में कह रहे ननो अभयम सर्वभूतेभ्यो तत्वा निष्कर्म्यम आचरेत, ये कहा गया है अभय सभी भूतों को प्रदान करके निष्कर्म भाव स्थित होना चाहिए। इस स्मरणात् कर्म सन्यास्योपि धर्म कर्तव्येव चेत सत्य, पूर्णतया कर्मों का सन्यास करना भी तो धर्म है, श्रुतियों ने कहा है, अतः वह भी कर्तव्य चेत सत्य। अधिकार है क्या, अधिकार देख लो, यदि अपने आप को अधिकारी मानते हो सन्यास लो, कौन मना कर रहा है। संन्यासोपि शास्त्रीय धर्म कर्तव्यश्च मोक्ष, यद्यपि हम मानते हैं संन्यास क्या है शास्त्री ही है, धर्म है, कर्तव्य है, इसके लिए मोक्ष के लिए, तथापि स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुणा परिकीर्तिता, वास्तव में अपने अपने अधिकार पर तय कर लो, उसमें जो निष्ठा होती है उसी को वास्तव में शास्त्रकारों ने गुण कहा है, नहीं तो दोष है। इति वचनात् अपक्वांतकरणस्य सधर्मो न भवति, अपक्वांतकरण वालों के लिए कर्म संन्यास धर्म नहीं है, किंतु बहुजन्मार्षित पुण्य पुंजयी परिपक्वांतकरणस्य, बहुत जन्मों से अनुष्ठान करते हुए जो पुण्य का पुंज इकट्ठा हो गया है जिसे कारण से परिपक्व अंतकरण वाला व्यक्ति होगा, सर्वतो विरक्तस्य, यह लोग परलोक सकल विषयों से जो विरक्त हो गया है, कर्मणा मोक्ष साधनत्व अपश्यत, और कर्म में मोक्ष साधनत्व नहीं है यह निश्चय करते हुए ही जो मोक्ष होता है, एवं मोक्षोर विविधिशया कर्तव्यम धर्म संन्यास, मतलब उसी मोक्ष के लिए विविधिशा के आधार पर संन्यास भी धर्म करना चाहिए, या जो कृतार्थ हो गया विदुषा उद्वत संन्यास लें, विदिशा संन्यास या विद्वत संन्यास उसी के लिए ही है। न तो मूढ़स्य कर्मसु अलसस्य, उनके लिए नहीं है संन्यास जो मूढ़ हैं, अभी संसार विषयों में आसक्त हैं, मोहग्रस्त हैं, लेकिन आलसी होने के कारण से यूँ समझकर दुख बुद्धिया
अरे कर्म करना बड़ा कठिन होता है, बड़ा क्लेश है, इस बुद्धि से जो संन्यास लेगा वैराग्य के बिना वह अनुचित है। तत्व असु संन्यास परधर्म एव, इसलिए संन्यास हम क्या कहेंगे, परधर्म कहेंगे। मोक्ष के लिए स्वधर्म है और कामी के लिए संन्यास परधर्म हो जाता है। न तो स्वधर्म ना पिच श्रेय हेतु, न तो स्वधर्म न कल्याण का साधन बनेगा, किंतु कर्मैव स्वधर्म श्रेय हेतुश्च अनुष्ठेय। इसे अनधिकारी यदि है, संन्यास की जो अनधिकारी है, मूढ़ है, अज्ञानी है, वह वैराग्यहीन है, विवेकहीन है, उसके लिए तो कर्म ही स्वधर्म है, वही उसके कल्याण करने का साधन है, अतः वही उसके अनुष्ठेय है। इत्याह श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मास्मनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्मनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, स्वधर्म है भले आप विगुण कर रहे हैं, कुछ न्यूनता से कर रहे हैं, पूरे अंग को सकल ढंग से कर्म कर नहीं पा रहे हैं, तो भी वो आपके लिए श्रेयान। किसके अपेक्षा से, परधर्मात्, जो परधर्म है, भले आप उसको स्वनुष्ठिता सुष्ठु अनुष्ठान कर रहे हैं, सकल अंगों को सम्यक प्रकार से अनुष्ठान कर पा रहे हैं, तो भी वो परधर्म आपके लिए श्रेय नहीं है। किंतु स्वधर्म में निधनं श्रेयः, स्वधर्म में आधा अधूरा कर पा रहे हैं तो भी उसी में ही करते करते निपट जाना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। परधर्मो सम्यक प्रकार से अनुष्ठित परधर्म की अपेक्षा से कि परधर्म जो है भयावह होता है, क्योंकि वो अनधिकृत चेष्टा है। स्वधर्म ने अधिकृत चेष्टा है और परधर्म का मतलब है अनधिकृत चेष्टा करना। श्रेयान प्रशस्तर स्वधर्म इति स्वधर्म, स्वस्य धर्म समास नहीं करना, स्वधर्म इति स्वधर्म कर्मधारय समास करते भाष्यकार। विगुणोपि विगत गुणोपि अनुष्ठीयमानः, गुणों से रहित मने सकल अंगों से युक्त कोई भी कर्मकांड होता है उसमें अनेक अंग होते हैं, हर एक कर्म में है ना। पूजा पूजा भी करोगे, पूछे कौन सा पूजा करना है, संक्षिप्त पूजा की विस्तृत पूजा है ना, समझो क्या पंचोपचार करनी है, दसोपचार करना है, षोडशोपचार करना है, सब विकल्प है आपके सामने। जो भी चयन करोगे उसको पूर्ण रूप ढंग से मान लो तब्यप नहीं कर पा रहे हो तो भी स्वधर्म उचित ही है। विगुणोपि विगत गुणोपि अनुष्ठीयमान परधर्मात्, दो में से एक नाम श्रेष्ठ प्रशस्त तर होता है, तर प्रत्यय क्या है, दो में से श्रेष्ठ को कहने के लिए। दूसरा कौन है, किसके अपेक्षा से आप स्वधर्म को श्रेष्ठ कह रहे हो, परधर्मात् स्वनुष्ठितात् सात्गुण्येन संपायितात्, भी सर्वगुणों संपन्न होकर के सर्वांगोपेत होकर के अंगोपांग सकल चीज सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करोगे, उसके अपेक्षा से ऐसे परधर्म के अपेक्षा से जो विगुण जो स्वधर्म में वो श्रेष्ठ है। स्वधर्म में स्थितस्य निधनम मरणम अपि श्रेय, स्वधर्म में स्थित रहते हुए भले आप सफल ना भी हो, सफल ना होते विफल होते मर भी जाए तो भी वह श्रेष्ठ होता है। स्वधर्म में निधनम श्रेय, इसलिए कहते देखो कि परधर्म में स्थितस्य जीवितात्, परधर्म में जो है जीवित रहने के पेशा से स्वधर्म में मर जाना भी ज्यादा श्रेष्ठ है। कस्मात, क्यों, परधर्मो भयावह, कि परधर्म जो है भयावह होता है। नरकादि लक्षणम भयम आवहति इत्यतः, जिसलिए कि नरकादि लक्षण भय को उत्पन्न करने वाले होता है। शंकरानंदी वर्णाश्रम अयम परमोपदेश, वर्ण और आश्रम के व्यवस्था में रहने वाले अज्ञानियों के लिए यह सर्वोत्कृष्ट उपदेश भगवान देने जा रहे हैं।
भगवता सर्व परमोपदेश क्रियते श्रणवंत मुमुक्षः। इसलिए कान खोल के समस्त मोक्षों को स्पष्ट सुन लेनी चाहिए। क्या है उपदेश? परमोपदेश कहते हैं सुनुष्ठितात् यथा शास्त्रं तो सम्यक नियमेन अनुष्ठितात् आचरितात् परधर्माद् द्विगुणोपि। सुनिष्ठितात् माने यथा शास्त्र सम्यक सकल नियमों को पालन करते हुए अनुष्ठान किया गया, आचरण किया गया परधर्माद् परधर्म की अपेक्षा से द्विगुणोपि व्यंगोपि असम्यक अनुष्ठितोपि अंगों से रहित विगतो अंग व्यंग अंगों से रहित सकल अंगों का अनुष्ठान नहीं कर पा रहे आप, कुछ अंग करे कुछ नहीं कर रहे, व्यंगोपि असम्यक अनुष्ठितोपि और असम्यक अनुष्ठित होने पर भी स्वधर्म कर्तृत्वेन स्वस्य शास्त्र विहित कर्तृत्वेन अपने लिए जो शास्त्र की तरफ विहित है उसका नाम स्वधर्म है। सैव स्वधर्म पुरुषस्य श्रेयान पुरुष के लिए वह श्रेयान होता है श्रेष्ठतर विध्युक्तत्वात् विधि से उक्त होने के कारण से। यथा कर्मण परधर्मत्वाद् यते है स्नान जप स्त्रोत्रादि कर्मापेक्षा ज्ञान साधन श्रवणाद्येक प्रयोजन सर्वकर्षण्यास एव श्रेष्ठो धर्म। यथा कर्म भी क्या है? परधर्म है। किसके लिए? सन्यास के लिए। सन्यास के लिए अपना धर्म क्या? स्वधर्म अध्ययन करना। से कर्मण परधर्मत्वाद् किसके लिए? यते है स्नान जप स्त्रोत्रादि कर्मापेक्षा ज्ञान साधन श्रवणादि एक प्रयोजन कि स्नान जप स्तोत्र आदि कर्माज्ञ अपेक्षा से ज्ञान का साधन श्रवणादि एकमात्र प्रयोजन है वह है सर्वकर्म संन्यासी एव श्रेष्ठ सर्वकर्म संन्यासी श्रेष्ठ होता है यति के लिए वही उसका स्वधर्म है। तथा कर्म संन्यास से परधर्मत्वात् गृहणोपि सर्वकर्म संन्यास अपेक्षा ज्ञान साधन सत्व शुद्धि एक प्रयोजन कर्म योग एव श्रेष्ठो धर्म। इसलिए ठीक विपरीत में लोगे कर्म संन्यास परधर्म हो जाएगा किसके लिए? गृहस्थ आदियों के लिए। गृहणोपि उन्हें सर्व कर्म संन्यास की अपेक्षा से ज्ञान का साधन जो सत्व शुद्धि है उसके एकमात्र प्रयोजन है जो ऐसा कर्मयोग में लगे रहना उसके लिए श्रेष्ठ होता है। एवं एवं इतरेशा वर्णाश्रमिणांच इस सकल वर्णाश्रमों की व्यवस्था समझ लो परधर्म अपेक्षा स्वधर्म एव श्रेयस्कर इत्यर्थः परधर्म की अपेक्षा से स्वधर्म ही श्रेयस्कर होता है। किंच सुतरा परधर्मं परित्यज्य स्वल्पे व्यंगे अपिवा इसलिए परधर्म की अपेक्षा से परधर्म को परित्याग करके अनायास ही परधर्म को परित्याग करके स्वल्पे भले आप अपने कर्म को थोड़ा ही कर पा रहे हैं वो भी सर्वांग नहीं कर पा रहे व्यंगे अपिवा स्वधर्मे नियमेन वर्तमानस्य निमितुर्ष विद्यमान है वह उसका निद्रम मरणम श्रेय श्रेय से स्वर्गाय अपवर्गाय वा भवति वह उसका वह करते करते मर जाने पर भी उसके लिए श्रेय होगा चाहे स्वर्ग मिले चाहे मोक्ष मिले। न क्वचिदपि अश्रेय से नरकाय नरकादि अश्रेय तो कभी स्वधर्म नहीं देता है। और जो स्वधर्मं परित्यज्य वाग गोचरे भी स्वधर्म को परित्याग करके जो वेदादि का अविषय है ऐसा जो परमधर्मे वर्तमानस्य परधर्मे होने चाहे परम नहीं परधर्मे वर्तमानस्य परधर्मे जो विद्यमान है निधर्म क्वचित श्रेय से न भवती परधर्मे रहकर जो मर जाता है करते करते भी उसके लिए कभी श्रेय हो नहीं सकता क्यों किंतु परधर्मो भयावह परधर्म क्या है भयावह नियमेन सम्यक अनुष्ठितोपि भले परधर्म को आप नियमित रूपेण सम्यक अनुष्ठान कर लेंगे तो भी ऐसा परधर्मो भयम यमदूतेभ्य नरकम च आवहति यमदूत आदि के द्वारा नरक में घसीट के ले जाया जाएगा संपादित भयावह ऐसे करता है। इसलिए जो है एतार फल संपादन करने वाला होने से परधर्म को हम भयावह कहते हैं।
नर्क गर्भ वासादि दुख प्रवाह हेतु रेव होती तरतो या तो नर्क में ले जाएगा नहीं तो वापस गर्भवास में पहुंचा देगा, अंतरण शुद्धि के द्वारा मोक्ष में आगे बढ़ाएगा नहीं, ये निश्चित है। टिप्पण, परधर्म अनुष्ठेय धर्मत्वात् स्वधर्मवत्, किसने अनुमान किया परधर्म क्या है? अनुष्ठेय है। क्यों अनुष्ठेय है परधर्म? परधर्म अनुष्ठेय क्यों है? धर्मत्व, क्योंकि भी धर्म है। दृष्टांत क्या है? स्वधर्मत्व, स्वधर्मवत्, यत्र तत्र धर्मत्वम तत्र तत्र अनुष्ठेयत्वम, व्याप्ति बना लिया। जहाँ जहाँ भी धर्मत्व रहेगा वह अनुष्ठेयत्व होगा। स्वधर्म में धर्मत्व है अथवा अनुष्ठेय है, जैसे ठीक उसी परधर्म में भी धर्मत्व होने के नाते वह भी अनुष्ठेय है, ऐसे किसने अनुमान कर लिया? इत अनुमान न परधर्म अनुष्ठान न दोष, अनुष्ठान एक साथ हो गया दूर करो, परधर्म अनुष्ठान न दोष इति चेत, ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा से परधर्म भी धर्म होने के नाते अनुष्ठान कर्म में कोई दोष नहीं होना चाहिए। इत्याहति चेत श्रेयान इत्यादि जवाब दिख, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। भाषा अनुसारेण स्वधर्म स्वधर्म इत्येव समास, भाष्यकार अनुसार स्वधर्म इति स्वधर्म यही समास उचित है, न तो स्वस्य धर्म इति षट्टी तत्पुरुष आदि समास, न तो स्वस्य धर्म स्वधर्म यस्य इत्या बहुरी समास आदि कोई अन्य समास मानना उचित नहीं। चौदह लक्षण अर्थो धर्म इति न्यायात, इस मीमांसा दर्शन के सूत्र के आधार पर वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थो धर्म, वेद के प्रतिपाद्य प्रयोजन वाला और सार्थक परंपरा अंत में अनर्थ पैदा न करे उसका नाम धर्म होता है। सच्च स्ववर्णाश्रम अनुसारेण, और उस धर्म के बारे में निर्णय कैसे करूँगा? मेरा धर्म क्या है? अपना धर्म कहते, उसको निर्णय करने के लिए अपने वर्ण और अपने आश्रम पहले तय करो। आप कौन है? ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र में चार में से कौन है आप, और किस आश्रम में आप हैं? ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास में से पहले तय कर लो स्ववर्ण और आश्रम। उसके अनुसार जैमिनी मीमांसा दर्शनस्थ षष्ठाध्यायोक्त, जिसको अधिकारी अध्याय बोलते हैं, न्यायश्च निर्धारयम्, उसके द्वारा ही आपको निर्धारण कर लेना चाहिए मेरा अधिकार किस में है। परधर्म ग्रहण अनेकानि कारणानि सन्ति, ये लोग फिर परधर्म क्यों ग्रहण करते हैं? परधर्म ग्रहण करने में भी अनेकों कारण हैं, अनेकानि कारणानि सन्ति। तथा ही जैसे कि फल कामना, दूसरा परिश्रम, अल्पत्व इत्यादि, एक श्लोक में संग्रह किया है। परधर्म की ओर आदमी क्यों भागता है स्वधर्म को त्याग के? तत्रयम संग्रह श्लोक, श्रद्धा हानिस्तथा असूया दुष्टचित्तत्व मूढ़ते प्रकृतिर्वशवर्तित्वं रागद्वेषौ च पुष्कलौ परधर्म रुचित्वञ्च इत्युक्ता दुर्मार्गवाहकाः। देर श्लोक है। श्रद्धा हानि, एक तो अपने धर्म को श्रद्धा नहीं कि आप चाह रहे बड़े बड़े फल और नहीं मिल रहा आपको अपने धर्म का पालन करने से, ऊंचे मांगोगे फल और अपने धर्म से ना मिले तब परधर्म की ओर आदमी भागता है। इसलिए अपने औकात में रहकर अपने समुचित फल मांगो तो मिलेगा, और अधिक फल मांग रहे हो तो कैसे मिलेगा? इसलिए श्रद्धा हानि हो जाती तो परधर्म में चला जाता है, सोचता है शायद वहाँ जाने से मेरे को सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तथा असूया अथवा असूया गुणेश दोष आविष्कार करना, अपने धर्मगत गुणों में भी दोष देखने लगेगा, दुष्ट चित्तत्व मूढ़ता, प्रदूषित चित्त वाला है, गलत को चाह रहा है, चित्त दूषित हो गया, उसकी आपूर्ति के लिए परधर्म को पकड़ेगा। अमूढ़ता, विवेकहीन हो गया तो भी परधर्म को पसंद करने लगेगा। प्रकृतेर वशवर्तित्वम, अपनी प्रकृति जो बताया था प्रार कर्म उसके वश या अधीन होने के कारण से भी वह परधर्म को चाहने लगता है, पुष्कल राग द्वेष के कारण से भी होता है।
बार बार कई लोग बोलते हमारे हिंदुओं ने हमको धोखा दिया, इसलिए हमने हिंदुत्व तो छोड़ दिया, मुसलमान हो गए। हिंदुओं ने साथ नहीं दिया, हमें मुसलमान ने साथ दिया, इसलिए मुसलमान धर्म चले गए। कोई कहते आपको ईसाइयों ने साथ दिया, इसलिए हम ईसाई धर्म में चले गए। और अधिकतर गरीब लोग ये बात करते हैं, गरीबों में चलता है, क्योंकि गरीब जो खेती करते हैं विशेष तौर पर, उन्होंने क्या किया, अपने खेती के धान वगैरह को सेठों के यहाँ रखते थे सुरक्षित, और उनका नियम था 10 बोरी पे 1 बोरी सेठ का, ये पैसा लेन देन कुछ नहीं। और उसमें क्या है, सेठ लोग धोखा देने लग गए, अरे चूहे खा गए, ये हो गया वो हो गया, बर्बाद हो गया, 10 बोरी उसको 5-6 बोरी दे रहा है तय के खिलाफ। तो ईसाई मिशनरी ने कहा आप हमारे गोदाम में रखो, आगे 10 वर्ष 11 बोरी हम देंगे। अब उन्होंने देखा भी तो 10 के 11 मिल रहा है, और ईमानदारी से एक बार दो बार बोलते नहीं, इसे चुप करवाते हैं, खुश हो जाता है आदमी। आप कहते ईसाई बनोगे तो रखेंगे, नहीं तो जाओ, ईसाई बन जा। 2 साल के बाद ही वो दबा देते हैं। अब आदमी 2 साल देख लिया रख रख करके, यहाँ तो लाभ लाभ मिला, हिंदू तो ठगे जा रहा, ठग रहा था, इसे अच्छा यही हो जाओ। उसको दूसरे ढंग से अपना शोषण करते हैं और अपना पूरा निकालते हैं, वो बात अलग चीज है, उस इतने विवेक है ना, अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, अधिक तरह ऐसे लोगों को लोग ईसाई बना देते। इस तरह से सब में हो रहा है, पर धर्म को अपना रहे इसीलिए। वैसे यहाँ पर भी ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य में भी देख लो, ब्राह्मण एक क्षेत्रीय कर्म करने को तैयार है, मिलिट्री में घुस रहा है, ये बढ़िया तनख्वाह मिल रहा है, इससे व्यवस्था मिल रहा है, कहाँ पंडिताय में लगे रहेंगे, ये बेकार है, इसलिए परधर्म की ओर जाता है। उसमें राग हो गई, इसमें द्वेष हो गया, पंडिताय में द्वेष हो गया, उधर राग हो गया, कहीं तो व्यापार में लग रहा है, व्यापार में कहते दारू पैसे से बढ़िया है, ज़्यादा कमाई हो रही है, शर्मा वाइन स्टोर खोल दिया। ये सब परधर्म में जा रहे हैं केवल धन आदि का लोभ के वजह से, वही राग द्वेष उसके अंदर पुष्कल हो गया। परधर्म रुचित्वम, और परधर्म में रुचि बढ़ गई इत्युक्ता दुर्मार्ग वाहका, यही दुर्मार्ग में वहन करने वाले प्रमुख दोष है समझो। यद्यपि अनर्थ मूलम, यद्यपि है अनर्थ का मूल है क्या, कामना। ये पहले भी बोल चुके, ध्यायत्व विषयान पुंसा राग देशो यस्य परिपंतिनौ इति च उक्तम विक्षिप्त, लेकिन अलग अलग कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कह दिया, बिखेर दिया है। अनविधारितंच, अनिर्धारण में नहीं हुआ, यही एक मूल कारण है जी। यदुक्तम तत् संक्षिप्तम निश्चितंच इदमेव इति ज्ञातुम इच्छन, से जो कुछ भी इधर उधर बिखेर करके कहा हुआ फैला करके उसको अति संक्षेप करता हुआ निश्चय पूर्वक एक कारण को, सीधे एक कारण बताओ यह पूछने के लिए आरंभ करता अर्जुन। च इदमेव इति ज्ञातुम इच्छन अर्जुन वाच, यही एकमात्र कारण है ये सकल झंझट का, यह बात सुनने की इच्छा से अर्जुन कहता है। जाते ही तस्में, क्यों, उस एक कारण को यदि हम जान लेंगे तद उच्छेदायत्न कुरियाम, उसको उच्छेद करने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं। जैसे दोनों ही कहानियों में आता है, रामायण में भी महाभारत में भी, महाभारत जितने भी मार रहे दुर्योधन को उम्र ही नहीं रहा है, क्यों, उसके प्राण कहाँ थे, जांघों में, पूरा शरीर वज्र हो गया था, कि गांधारी आंख पट्टी खोल के देख ली थी तो उसने तौलिया पहन लिया था, ये हिस्सा वज्र नहीं हुआ था, इसे कहीं भी मारो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। रहस्य खोलने के लिए फिर भगवान ने उपाय किया तब उसको मार पाए। जरासंध को भी ऐसे इतनी बार टुकड़ा कर दिया फिर वो जुड़ जाता था, कृष्ण पत्ता को उलट फाड़ दिया, उल्टा डाल दिया,
और उल्टा डालेंगे तब वो भी शरीर को फाड़ा भी हमने और उसको उल्टा डाल दिया, तब वो फिर जुड़ा नहीं, तब मरा। इसे वो एक कारण जानना पड़ता है। सर रामायण में इसी प्रकार सर रावण को कहा नाभि में है, नाभि को मारो, इधर जितने भी मारो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक मूल कारण क्या है संसार को बता तो उसको उड़ा देंगे, काम हो जाएगा। अनेक कारण बता दिए, वो भी बिखेर कर कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। इसलिए एक कारण सबको मिला करके आप मुझे बताइए, ये पूछने का उसका आशय है कि ज्ञाते ही तस्मिन उसको जान लूंगा तद उच्छेदाय यत्नम कुर्याम, उस कारण को उच्छेद करने के लिए, बीज को नष्ट करने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। यद्यपि ध्यायते विषयानिति इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे इति च, इंद्रियस्य इंद्रियस्य होना चाहिए इति च, पुरुषस्य जनन मरणादि अनर्थ परंपरा गमन कारणम निरूपितम। जन्म मरणादि अनर्थ परंपरा में जाने की पहले प्रति अनेकों कारण निरूपण कर चुके हैं, यद्यपि निरूपण हो चुका तथापि विशेष तत्स्वरूप तदधिष्ठान तय उपाय विज्ञात कामो, फिर भी विशेषतः उसके अधिष्ठान उसके स्वरूप तत्स्वरूपम उसके अधिष्ठान कहाँ रहता है वो, और उसके जय विजय पाने के उपाय, इन सबको जानने की कामना से अर्जुन स्वयं विस्मृतवद, अर्जुन जो है स्वयं मानो विस्मृत के समान तदेव पृच्छति, वही बात को पूछ रहा है। संसार कारण विज्ञाते पंडित इतो पायन परिवर्तन शक्यत इति अर्जुन वाच, संसार का कारण मालूम हो जाए पंडितों के द्वारा विवेकियों के द्वारा उसके उपाय के उसको उपाय के द्वारा परिहार करना संभव है, यह मानकर अर्जुन पूछा। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है अतः केन, एक वचन देखो केन, कहीं नहीं केन प्रयुक्त, किस कारण से प्रयुक्त होकर के अयम पुरुष यह जो पुरुष है अनिच्छन्न भी बलादेव नियोजित सन पापम चरति, न चाहते हुए भी मनो बल पूर्वक कोई इसको लगा रखा है पाप को करने में। हे वार्ष्णेय संबोधन है अतः केन हेतुभूतेन प्रयुक्त सन, कौन से कारण है जो कारण होकर के जिसे प्रेरित हुआ यह पुरुष यह राजा इव प्रत्यो, इसे राजा के द्वारा नौकरों को लगाया जाता काम में, उसी प्रकार से अयम पुरुष पापम कर्म चरति आचरति पुरुष, ये जो पुरुष है पाप कर्म करने में लगा रहता है। स्वयं अनिच्छन्न भी, कई बार ऐसा होता है स्वयं न चाहते भी पाप कर्म कर जाता है। हे वार्ष्णेय रेफनेय वार्ष्णेय वार्ष्णेय हो गया, वृष्टि कुल प्रसूत वृष्टि कुल में पैदा हुए बलादिवनियोजित राज्य विद्युक्तो दृष्टांत, जिसे न चाहते भी कई बार होता है राजा ने आदेश दे दिया जाना पड़ेगा काम करना पड़ेगा। ये सैनिक है उसका माल में वह युद्ध हो रहा है, घुसपैठिए मार रहे हैं और नहीं जाना चाहता है कश्मीर, बचा दे ड्यूटी इधर कहीं लग जाए इधर कहीं और लग जाए, लेकिन अब सरकार आदेश दिया उसको जाओ उधर ड्यूटी में, न चाहते उसको जाना पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर भी न चाहते हुए भी हम लोग बहुत सारे झूठ छल कपट आदि अनेक पाप कर्म कर जाते हैं। अतः शब्द पृथक प्रश्न आरंभार्थ, संक्रांति टीकाकार कहते अतः शब्द क्यों आया, पृथक जो है प्रश्न के आरंभ का द्योतन करने के लिए। ब्रह्मविदाम ब्रह्मानंदामृतम वर्षति इति वृष्टि,
वर्षति इति वृष्टि बना लिया, ब्रह्मवेत्ताओं के प्रति ब्रह्मानंद रूपी अमृत की वर्षा करने वाला उसका नाम वृष्टि। सम्यक बोध अर्थात सम्यक ज्ञान, तेन अवगम्यते इति वार्ष्णेय, वह जिसके द्वारा बोध होता है उसका नाम वार्ष्णेय। परमात्मा श्री भगवान तस्य संबुद्धि, उसका संबोधन प्रयोग हो गया हे वार्ष्णेति। बलवता राज्य चान्येन वा बलात्कार नियोजिता प्रेष्य इव, राजा के द्वारा हो या किसी के भी द्वारा हो बलपूर्वक नियुक्त कर दिए के समान, प्रेष्य इव कार्य अकार्यज्ञों अपि अयम पुरुष, कार्य और अकार्य का ज्ञात होते हुए भी अकार्य में लग जाता है, कार्य नहीं कर पाता है। स्वयं फलम पाप साध्यम अनिच्छन्नपि, जो पाप साध्य फल नरकादि को न चाहते हुए भी अनिच्छन्नपि पापम आचरति, पाप का आचरण कर जाता है। केन प्रयुक्त अस्मिन् कार्यकरण संघाते, इस कार्य कारण हो गया है कार्यकरण संघाते, इस कार्यकरण संघात में बलवता ऐसा बलवान वस्तु कौन है जिसके द्वारा प्रेरित होकर हम सब गड़बड़ कर रहे हैं। केन प्रेरित भूत्वा अयुक्तम अपि करोति तम ब्रूहि, अयुक्त को भी कर देता है, वह कारण को आप बताइए। इत्यर्थः टिप्पण अधमन अनंतरम, इतने उपदेश देने के अनंतर ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि इत्यत्र परमेश्वर से प्रेरकत्वम सूचितम, क्या कहा दिया ना प्रकृति क्रियमाणानि, और प्रकृति क्या है भगवान की माया बोल चुके हैं, तब परमेश्वर ही प्रेरक है ये बात तो बोल चुके हैं। एवं इंद्रियस्यार्थे, यहाँ पर गए इंद्रियों की देवताओं को प्रेरक माना, अलग अलग हुए ना प्रेरक, कहीं परमात्मा प्रेरक है कहीं देवता प्रेरक है। प्रेरकत्वम सूचितम तस्मात प्रेरक विशेष से एकस्य निर्णयार्थ प्रश्न, प्रेरक विषय को एक निर्णय प्रदान करने के प्राप्त करने के लिए यह प्रश्न किया जा रहा है। यद्यपि ध्यायत्व विषयान पुंसि इत्यत्र राग द्वेषों से परिपंतरौ इत्यत्र वा उक्तम, जगह में कह दिया गया, तथापि एकम कारणम अनवधारतम, एक कारण अवधारण नहीं हुआ इति मत्वा, ऐसा मान करके अर्जुन पृच्छति। वार्ष्णेय इति संबोधन है ना, यहाँ भी गड़बड़ हो गया है, रेफ नीचे आ गया, रेफ ऊपर जाना चाहिए, वार्ष्ण ड्र हो गया है, वार्ष्णेय र ऊपर जाना चाहिए, र नीचे काट दो। संबोधन है ना वृष्णि मने किरणम तस्यम प्रकाश, वार्ष्णेय बना कैसे वृष्टि मने किरण, तस्यम प्रकाश किरण के या प्रकाश, तस्म शर्त में ढकी करते व्युत्पन्न हुआ है। अतएव वेदात्मक सूर्य से किरण तुल्य ज्ञानम तस्य प्रकाश स्वरूप तम मम अज्ञानात्मक तमो विनाश इति द्योतितः, वेदात्मक सूर्य के किरण तुल्य ज्ञान उसके प्रकाश स्वरूप आप हैं, इसलिए आप जो है मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कीजिएगा, ये प्रार्थना करते हुए हे वार्ष्णेय संबोधन किया। अथवा दूसरा ब्रह्मविदां प्रति ब्रह्मानंदम वा वर्षति, ब्रह्मानंदम वर्षति एक होना चाहिए इति वृष्टि, तदेव तम वही आप है स्वार्थे ढकी व्युत्पन्ना, स्वार्थ में ढक प्रत्यय कर दिया, तसिदम अर्थ में नहीं, स्वार्थे ढकी धावना चाहिए ढकी हो गया है, व्युत्पन्ना इति वार्ष्णेय। अथवा तीसरी व्युत्पत्ति वृष्टिवंशी भवसी इत्यर्थ, वृष्टिवंश वाले आप हैं, इसलिए एक ही वंश हमारा और आपके दोनों का मूल एक होने से भी आप इसे मेरा कल्याण करो, ये प्रार्थना पूर्वक बोल रहा है। बलात् स्वकर्तृत्वेन युद्धादो मृत्युदंड दानादो व अन्याधीन वद्वा, क्योंकि बलात् मानो एक तरह से अभी मैं क्या कर रहा हूँ युद्धादि को कर्तव्य रूपेण प्रवृत्त हो रखा हूँ, मृत्युदंड दान करने के लिए प्रवृत्त हो रखा हुआ, वो भी अन्य अधीन वद्वा अन्य अधीन के समान में करने जा रहा हूँ लग रहा है। से केन इति एक वचन न निश्चितम एकम कारणम ज्ञातुम पृच्छति, केन इस एक वचन के द्वारा निश्चित एक कारण जानना चाह रहा है, अन्यत्र
द्विवचन बहुवचन आदि ना कारण मुक्तम, अन्यत्र कहीं द्विवचन कहीं बहुवचन के द्वारा कारणों का वर्णन किए हो, इसलिए हम एक कारण को जानने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं 37वें श्लोक के लिए। श्रृणुत्वम तम वैरिणम सर्वानदगरम यम तम पृच्छसि। श्रृणुत्वम तम वैरिणम सर्वानदगरम, तम तुम जो है उस सर्वानदगर वैरी के बारे में मेरे से सुनो। यम तुम पृच्छसि, जिसके बारे तुम पूछते हो। इति श्री भगवान उवाच। इनको भगवान क्यों कहते हैं कृष्ण को? क्योंकि इसे छह भग है। छह भग कौन है? ऐश्वर्य से समग्रस्य समयस्य हो गया है यह काटो ग्रह, धर्मस्य यशस्य श्रियः वैराग्यस्याद मोक्षस्य षण्णाम भगैतींगणाम। षण्णाम भग, छह भग है ये सब के सब जिसके पास है। भगा संति अस्मिन् यस्यवा इति भगवान। समग्र ऐश्वर्य एक, समग्र शब्द को जोड़ेगा, समग्र धर्म दो, समग्र यश तीन, समग्र श्री चार, समग्र वैराग्य और संपूर्ण मोक्ष इच्छा चीज। पूर्ण ऐश्वर्य युक्त है, पूर्ण धर्म ज्ञान से युक्त है, पूर्ण यश से युक्त है, पूर्ण श्री से युक्त है, पूर्ण वैराग्य से युक्त है और पूर्ण मोक्ष उसको प्राप्त। ये छह भग होते हैं, ये जिसके पास उसका नाम भगवान होता है। विष्णु पुराण का है, ऐश्वर्या षटकम यस्मिन वासुदेवे नित्यम अप्रतिबंधत्वेन सामस्त्येन च वर्तते। ऐश्वर्या जो छह चीज जिस वासुदेव में नित्य ही बिना कोई प्रतिबंध का और पूर्ण रूपेण होने के कारण से उनको हम भगवान कहते हैं। उसी विष्णु पुराण के एक और श्लोक है, उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्यांच सवाच्यो भगवान इति। उत्पत्तिम प्रलय भूतानाम, उत्पत्तिम प्रलयम च, भूतों का जन्म और मरण और भूतों के गति और आगति और भूतों में विद्या और अविद्या, इन सारे चीजों को यो वेत्ति सवाच्यो भगवान इति, उसको भगवान कहना चाहिए। उत्पत्त्यादि विषिंच विज्ञानम यस्य स वासुदेवो वाच्यो भगवान इति। उत्पत्त्यादि विषिंच विज्ञान जिसके पास है ऐसे ही जो वासुदेव है, इसलिए उसको भगवान कहा जाता है। श्री भगवान वाच। उसे पहले संक्रांति अवतरणिका, अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हचित् यद्यद्धि कुरुते जन्तुस् तत्तद् कामस्य चेष्टितम् इति न्यायेन। बिना कामना का काचिद भी क्रिया कुरुचित भी न यो दृश्यते, इस लोक में इस शरीर में कहीं भी किसी भी काल में किसी भी देश में कोई भी क्रिया बिना कामना का नहीं हो सकती। सारी क्रिया कामना पूर्वक ही होती है, क्योंकि यद्यद्य कुरुते जंतुस जो जो भी अचीव करता है तत् तत् काम से चेष्टितम, वह वह कामना से प्रेरित होकर के चेष्टित होता है। इस न्याय के आधार पर पुंस सकल कर्म आचरण कारणम सर्वानर्थ बीजम काम एव इति बोधयितुम श्री भगवान उवाच। इन्हीं श्रुति स्मृतियों के आधार पर भगवान भी जवाब देना चाहते हैं। सकल कर्मों के आचरण का मूल कारण और सकल अनर्थ का जो बीज है वह काम ही है, यह बोध कराने के लिए भगवान आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच। कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम् इह वैरिणम्। कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनम् इह वैरिणम्।